हाय दोस्त, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, बहुत सारे दिनों से, जी हाँ दोस्तों, बहुत दिनों से जो भी SSC GD का इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि पिछले वैकेंसी में, जो 2018 की वैकेंसी में फार्म भी अप्लाई किए थे, उनका नहीं हुआ किसी काम, बस वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। और कई नए कैंडिडेट भी इंतज़ार कर रहे हैं SSC GD कैंडिडेट, जी हाँ दोस्तों, कि कब SSC GD का फार्म आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सारा डिस्कस करेंगे, आपको एकदम लाइव प्रूफ के साथ में दिखाएंगे कि कब तक आपका फार्म आ जाएगा और कब से ऑनलाइन होगा, कितना सीट है, कितना एज लिमिट है, किस किस स्टेट से आप भर सकते हैं और किस स्टेट से भरेंगे तो सही रहेगा, किस स्टेट से गलत रहेगा, और उसमें फॉर्म भरते समय क्या गलती करें, क्या गलती ना करें। ये मेल के केवल आ रहे हैं कि फीमेल के लिए आ रहे हैं, कौन कौन पोस्ट के लिए आ रहे हैं, जी हाँ दोस्तों। तो इस वीडियो में बने रहे शुरू से लेकर अंत तक, और नए हैं या SSC GD से रिलेटेड पल पल के अपडेट पाना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन वेस्चन का सब, तो हमारे इस सरकारी एग्जाम पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले तो SSC GD क्या है, जी हाँ दोस्तों, SSC GD, SSC ये है GD कांस्टेबल का, कि इसमें देखिए NIA, SSF, ITBP, BSF, SSB, और उसके बाद से अगर बात करें तो असम राइफल, CISF, CRPF, ये सभी कोर होते हैं, ठीक है, लगभग 7 से 8 कोर होते हैं। अगर SSC GD में ये नंबर के हिसाब से, जैसे आपका मेरिट आएगा उस हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगा, ठीक है। तो अगर माना जाता है कि CISF का थोड़ा हार्ड जाएगा, SSB CISF का हार्ड जाता है, सबसे हार्ड NIA SSF का जाता है, ठीक, तो ये तो रहा कोर का, ये भर्ती होगा। अगर हम बात करें कि ये सबसे पहले सीट कितना रहेगा, जी हाँ दोस्तों, तो सीट अगर हम बात करें तो सीट इसमें 84,000 प्लस रहेगा, जी हाँ दोस्तों, 84,000 प्लस रहेगा। और इसमें मौका सभी स्टेट वालों को मिलेगा, चाहे आप UP, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कहीं से भी हो, जी हाँ दोस्तों, कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से हो, आपका इसमें मौका मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और सबसे खास बात SSC GD की ये होती है कि सभी स्टेट का अलग अलग, जी हाँ दोस्तों, अलग अलग वैकेंसी आती हैं। अगर मान लेते हैं कि यूपी में जनसंख्या के हिसाब ऊपर उस पर डिपेंड करता है कि कितना एरिया में कितना वैकेंसी दिया जाए, बराबर तो नहीं आती है लेकिन एरिया वाइज आती हैं, ठीक है। तो कि इस यूपी में इतना दिया जाएगा, बिहार में इतना दिया जाएगा, सिक्किम छोटा स्टेट है तो सिक्किम में इतना दिया जाएगा, मतलब वो बांट करके देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका कट ऑफ भी जो बनता है ना, ये अलग अलग बनता है, जी हाँ दोस्तों, इसका कट ऑफ अलग अलग बनता है। हम सारी बात को डिस्कस करेंगे, तो हम आपको बता ही दी कि वैकेंसी 84,000 प्लस आएगी। अगर एज लिमिट का बात करें, जी हाँ दोस्तों, तो देखिए जनरल के लिए 18 से 23 होता है, जी हाँ दोस्तों, जनरल के लिए 18 से 23 वर्ष इसका एज होता है। उसके बाद से अगर हम बात करें कि OBC और SC ST को कितना छूट मिलता है, तो OBC को मिलता है 2 वर्ष का और SC ST का मिलता है 3 वर्ष का, ठीक है, जी हाँ दोस्तों। तो OBC अगर 18 से लेकर के 25 के बीच में भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो SC ST हैं वो 18 से लेकर के 27 का भी अप्लाई कर सकते हैं, जी हाँ दोस्तों। अगर मेन जनरल से अगर तुलना करें तो जनरल से OBC का 2 वर्ष और OBC से SC ST का 2 वर्ष, अगर जनरल से तुलना करें तो जनरल से OBC का 4 वर्ष का छूट मिलता है, जी हाँ दोस्तों, ये तो एज हो गई। इसका अगर हाइट का बात करें, जी हाँ दोस्तों, बताएंगे कब फार्म अप्लाई होगा, तो अगर हाइट का बात करें तो हाइट इसमें जनरल के लिए 170 सेंटीमीटर ऑल ओवर इंडिया लगता है, लेकिन कहीं कहीं जैसे कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर जनरल के लिए 165, कहीं पर 165, जी हाँ दोस्तों, हाइट लेता है, और ST का कम लगता है, नहीं तो जनरल OBC का बराबर हाइट लगता है और फीमेल का कम लगता है, ठीक है, हाइट, जी हाँ दोस्तों। अगर चेस्ट का बात करें तो 80 से 85 चाहिए चेस्ट आपका, और अगर ST का छूट मिलता है तो 75 से 80 चाहिए, जी 75 मतलब कि नॉर्मल, और 80 फुला करके चाहिए। देखिए सारी बात को हम डिस्कस करेंगे और क्या गलती ना करें हम ये भी बताएंगे। और इसके सबसे खास ये बात है कि मेल और फीमेल दोनों के लिए आ रही हैं, और इसका ऑनलाइन जो होगा, ये जो नोटिस है वो 25 मार्च को आपको एकदम देखने को मिल जाएगा सामने SSC.NIC.IN का साइट पर, जी हाँ दोस्तों। और इसका लास्ट जो डेट होगा फॉर्म अप्लाई का वो मई में होगा, जी हाँ दोस्तों, मई में ये लास्ट डेट होगा अप्लाई का। तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिएगा, और अप्लाई करते समय अपना जो पोस्ट प्रेफरेंस है सटीक डालिएगा, बढ़िया से डालिएगा। कई लोग पिछले भर्ती में गलती कर चुके हैं, तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है जो दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, वैसा गलती नहीं करना है। और सबसे खास बात है कि ये 10वीं क्लास पर ही है, जी हाँ दोस्तों, 10वीं क्लास पर ही। अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस उसमें चूज करना पड़ता है तो सबसे पहले जो पोस्ट डालेंगे तो अगर नंबर अच्छा रहेगा तो वहीं पोस्ट मिलेगा, अगर कम उसके बाद से कम नंबर रहेगा तो दूसरा पोस्ट मिलेगा, नहीं तीसरा पोस्ट मिलेगा, इस प्रकार से। तो आप सबसे पहले NIA डालिए, SSF डालिए, CISF डालिए, SSB डालिए, CRPF डालिए, BSF डालिए, ITBP डालिए, असम राइफल डालिए। असम राइफल पहले भी डाल सकते हैं क्योंकि असम राइफल की सभी फैसिलिटी जो होती हैं
वो आपके आर्मी जैसी होती है, सेम टू सेम। दोस्तों तो देखिए यही है नई वैकेंसी की जो है घोषणा, और क्या क्या इसमें सटीक जानकारी हम आपको दे दिए, ठीक है। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आपका एज जो है डेट ऑफ बर्थ कितना है वो ज़रूर बताइएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो का मकसद समझ गए होंगे दोस्तों। और हम आपको ये भी बता दें कि देखिए कभी भी ये वैकेंसी, ठीक है, इसका जो होता है क्रिटेरिया होता है, सबसे पहले रिटर्न देंगे। पिछले बार तो मतलब कि फिजिकल हो रहा था 2015 में, 11 से 13 में, 15 में, लेकिन 2016 में, जी हाँ दोस्तों, ये 2018 में सबसे पहले रिटर्न हुआ। उसके बाद से रिटर्न के बाद में क्या हुआ, फिजिकल हुआ, ठीक है। और फिजिकल के बाद में जो हुआ आपका ये हुआ रनिंग वनिंग हुआ, ये मेडिकल वेडिकल हुआ, तब उसके बाद से मेरिट बनेगा, फाइनल मेरिट का बना, ठीक है। तो ये 2018 की बात है। तो देखिए उम्मीद करते हैं कि इसका मकसद समझ गए, तो फिर मिलेंगे एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।